कि इन किसानों के आंदोलन के पीछे कई प्रकार की ऐसी ताकतें, जो मैं कहूँगा कि देश विरोधी ताकतें भी हैं, खालिस्तानी ताकतें भी हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसान नेता रल्दू मानसा के समर्थक किसानों पर हमला करने की घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के आंदोलन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद सीएम खट्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के पीछे न केवल देश विरोधी ताकतें हैं बल्कि खालिस्तानी ताकतों का भी इसमें बड़ा रोल है। पहली बात तो ये घटना की जानकारी आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, इस बात को पहले भी कई बार उठा चुके हैं कि इन किसानों के आंदोलन के पीछे कई प्रकार की ऐसी ताकतें, जो मैं कहूँगा कि देश विरोधी ताकतें भी हैं, खालिस्तानी ताकतें भी हैं, वो लगी हुई हैं। और उसमें दोनों प्रकार के लोग सोचने वाले हैं, कुछ लोग इनको गलत मानते हैं, कुछ इनको ठीक मानते हैं। उनके विवाद बहुत पहले से अंदर अंदर चल रहे थे, आज अगर पहली बार बाहर आया है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और कोई भी देश विरोधी गतिविधि अगर कहीं होगी तो उसको देश का कोई देशभक्त नागरिक उसको स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल किसान नेता रल्दू मानसा ने बीते दिनों संयुक्त मोर्चा के मंच से खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ विरोध की हुंकार भरी थी, जिसके बाद मानसा को संयुक्त मोर्चे से 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया और इसी के चलते बीती रात मानसा के समर्थक किसानों पर जानलेवा हमला भी किया गया। उधर सीएम खट्टर ने खटकड़ टोल पर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को बोलने न देने पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चौटाला को न बोलने देना गलत है क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए और अपनी बात को शांतिपूर्वक रखने की बात होनी चाहिए। जहां तक सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो है, इसमें उनका शांतिपूर्वक आंदोलन करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उनके बुलावे पर या किसी के कहने पर वो वहां पहुंचे हैं और वहां गए हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया, बैठाया है, तो फिर बोलने भी देना चाहिए था। आखिर ना बोलने देने में ये एक लोकतांत्रिक एक प्रकार का उनका भी जो अधिकार है चौटाला साहब का, उसका भी हनन हुआ है। और राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे मौके पर हमको इस सो कॉल्ड किसान आंदोलन का समर्थन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीमा से आगे बढ़कर के जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये कतई भी हमारे सिस्टम के, लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसमें कई जो खतरे छुपे हुए हैं उसका ध्यान करना चाहिए और सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिल करके ऐसे इस आंदोलन को कंडम करना चाहिए। दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। सीएम ने मुलाकात के दौरान पर्यावरण से लेकर उद्योग और रेलवे के कई प्रोजेक्ट को लेकर मंत्रियों से चर्चा की। बता दें कि दिल्ली से सटे एनसीआर इलाकों में उद्योगों को केवल सीएनजी से चलाने का एक नियम आया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने राहत देते हुए ये जानकारी दी है कि हरियाणा के जो इलाके एनसीआर में हैं और जिन इलाकों में सीएनजी और पीएनजी की लाइन नहीं पहुंची है, वहां उद्योगों को छूट दी गई है। दिल्ली से कमल कंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।